नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને હું છું આપની સાથે કશિશ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ રાજસ્થાનના પાલીમાં પીએમ મોદીએ જનસભા ગજવી હતી। પાલીની સભામાં કોંગ્રેસ પર પીએમ મોદી વર્ષ્યા હતા। મહિલા સામે અપરાધમાં રાજસ્થાન નંબર 1 છે। કોંગ્રેસ મહિલા અને દલિત વિરોધી છે તેવું વડાપ્રધાને પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું। કોંગ્રેસે રાજસ્થાનને પાછળ ધકેલ્યું છે। કોંગ્રેસ સનાતનને ખતમ કરવા માંગે છે। વિપક્ષના ગઠબંધન પર પીએમ મોદીએ આકરા પ્રહાર કર્યા। साथियों, हम सबको भली भांति जानते हैं यहां जालौर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता, वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है गमंडिया गठबंधन। क्यों क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है।